खबर जयपुर से लेंगे, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी खबर आ रही है। चयन बोर्ड ने संशोधित भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। 17 नई भर्तियों को संशोधित कैलेंडर में शामिल किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर कैलेंडर को जारी किया गया है। आपको बता दें कि RSMSSB सचिव संजय माथुर ने यह कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 17 नई भर्तियों को संशोधित कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर। लवली बदवा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ और इसमें खास है? देखिए, बिल्कुल, कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार बेरोजगार मांग कर रहे थे कि जो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी किया जा सके, और अब सरकार के बाद में युवाओं के लगातार प्रदर्शन के बाद में आज जो है सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई जो भर्ती परीक्षा का जो संशोधित कैलेंडर है, क्योंकि हाल ही में 4 भर्तियां को स्थगित किया गया था हाल ही में होने वाली आचार संहिता के चलते, इन भर्तियों के अंदर जो प्रमुख भर्तियां शामिल है उनके नाम मैं बताना चाहूंगा। सूचना सहायक भर्ती, संविदा नर्स GNM भर्ती, संविदा महिला ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक CP भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार राजस्व लेखाकार भर्ती, संगणक CD भर्ती, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता CD भर्ती, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता CD भर्ती, उप कारापाल CD भर्ती परीक्षा 2023, छात्रावास अधीक्षक Grade 2 की भर्ती जो कि समाज कल्याण की भर्ती है, और इसके साथ में पर्यवेक्षक महिला CD भर्ती, प्लाटून कमांडर की CD भर्ती, छात्रावास अधीक्षक Grade 3 की CD भर्ती, कनिष्ठ सहायक संयुक्त CD भर्ती, पटवारी CD भर्ती के साथ में जिलेदार जो सिंचाई के काम विभाग के अधीनस्थ आता है जिलेदार उनकी CD भर्ती और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त CD भर्ती जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है। बड़ी बात ये, इनमें कई भर्तियां ऐसी है जिनमें सालों बाद भर्तियां जो है वो हो रही है, और नई भर्तियों के इस कैलेंडर के बाद में युवा जो है, जो बेरोजगार युवा है जो तैयारी करते हैं भर्तियों की, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वो सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं, और इस वक्त जानकारी मिल रही है कि अब जो नई सरकार होगी, नई सरकार के मार्गदर्शन में ये चुनाव जो है वो परीक्षा है वो हो सकेगी, और 21 जनवरी से जो पहली परीक्षा का आयोजन होगा वो जनवरी के महीने में होगा, और उसके बाद में मार्च अप्रैल में बाकी की जो परिवर्ती परीक्षाएं हैं वो आयोजित होगी। यानी कि अब खासा समय जो है वो मिल गया है, अभ्यर्थियों को खासा समय मिल गया तैयारी के लिए, और अगले 4 महीने अभ्यर्थी तैयारी कर सकेंगे, उसके बाद में जनवरी से। बिल्कुल लवली, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लवली बधवा आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल राजस्थान आ रहे हैं, भीलवाड़ा में उनका दौरा है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहला राजस्थान का दौरा करने के मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। दोपहर 11:50 पर वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भीलवाड़ा में किसान सम्मेलन होना है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। प्रभारी रंधावा और PCC अध्यक्ष डोटासा ने सभा स्थल का जायजा लिया, सभी तैयारियों को देखा है, कैसे ये किसान सम्मेलन होगा, पूरे प्रोटोकॉल को वहां पर देखा है, जानकारी ली है इसके संबंध में, और कल का ये दौरा अहम रहने वाला है। आपको बताने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भीलवाड़ा का दौरा करके आए थे और वहां पर उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था, और अब चूंकि 6 तारीख बस अब आ ही गई है, इस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा शानदार रहे, और हर तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी चीज़ों को यहाँ देखा और जांचा परखा गया है। अपनी निगरानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को लेकर डोटासा PCC चीफ और उसके अलावा साथ ही साथ रंधावा की तरफ से राहुल कौशिक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राहुल, तैयारी पूरी है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को लेकर और किसान सम्मेलन को लेकर? जी बिल्कुल, कई बड़े नेता भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी पहुंच चुके हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का भीलवाड़ा दौरा है, गुलापरा में शिरकत करेंगे, विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो सभी जो लोग हैं बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे। कई शिलान्यास कार्यक्रम है, दुग्ध उत्पादक संयंत्र का शिलान्यास है, कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास है, लोकार्पण के कई कार्यक्रम है, विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। CM खुद वहां पे मौजूद होंगे, डोटासरा जी PCC चीफ मौजूद होंगे, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और भी कैबिनेट के बड़े नेता वहां मौजूद होंगे, सह प्रभारी जो राजस्थान के हैं चाहे निजामुद्दीन जो हो, कई लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। तैयारियों का जायजा अभी भी लिया जा रहा है, पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, और जो कार्यकर्ता है पलक पावड़े बिछा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं, जो कि कल पहुंचेंगे और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी धन्यवाद आपका राहुल कौशिक, फिलहाल अपडेट देने के लिए।
और इधर प्रदेश में बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया। हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोगामेड़ी से इसका आगाज हुआ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवर्तन यात्रा 18 दिनों में 2110 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 विधानसभा क्षेत्र कवर करेगी। यात्रा हनुमानगढ़ जिले के बाद श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू और अलवर के 50 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। हरेक विधानसभा मुख्यालय पर एक आम सभा और अन्य स्थानों पर स्वागत सभाएं होंगी। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा है कि आज किसान की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो उसके खेत को पानी मिलना है। किसानों को पानी मिलेगा तो सिंचाई सही से कर सकेगा, सिंचाई करने से उसको दोगुना लाभ होगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। 5,747 करोड़ का लखवाड़ हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समझौता हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। अब इसके बाद में राजस्थान के 34,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी। रेणुका बांध 2019 में समझौता कराया गया, मेरे उपस्थिति में 4,597 करोड़। और मैं आपको बताता हूं, इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों की 97,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। आज राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि वाटर, रोड, कम्युनिकेशन और बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातों का विकास जहां होगा वहां उद्योग आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में रोड इतने बने कि मैं बोलूंगा ही नहीं इसके ऊपर, क्या बोलने की आवश्यकता है। अब तो आप रोज रोड पर जा रहे हो, आप देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। दहेज के लिए पत्नी को कुएं में लटका दिया, दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ प्रताड़ना की गई है। प्रताड़ना की जिस तरह से की गई है उसको लेकर एमपी के नीमच में यह वाकया सामने आया है। पति ने वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा है और दहेज मांगा। दहेज ना देने पर पत्नी को कुएं में डुबोने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच के बगाना थाने में परिवार ने यह शिकायत दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे वहशी दरिंदे हैं जो दहेज के लिए अपने घर की बहू को कुएं में लटका देते हैं, वीडियो बनाते हैं और लड़की के मायके को ये वीडियो भेजते, कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है दहेज की उसकी पूरी कर दो, नहीं तो फिर हम आपकी बेटी को डुबो देंगे, इस रस्से को हटा देंगे। ये गिड़गिड़ा रही है महिला, रहम की भीख मांग रही है, तड़प रही है, लेकिन कोई सुनवाई यहां नहीं हो रही है। चंचल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, आप क्या इस खबर पर और जानकारी दे पाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो महिला है ये प्रतापगढ़ जिले के रथानगढ़ गांव की महिला बताई जा रही है। और ये जो पूरी घटना है ये 20 अगस्त की घटना बताई जा रही है। इस महिला का जो ससुराल है वो मध्य प्रदेश के बगाना थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ की ये पूरी घटना है। और इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो यहाँ जो रथानगढ़ थाना पुलिस है, वो रथानगढ़ थाना पुलिस महिला के घर पर पहुंची और इस पूरे मामले की जानकारी ली, तो उन्हें संज्ञान में आया कि यह घटना 20 अगस्त को हुई थी और पति ने इसका वीडियो बना करके और वायरल किया है। और जब परिजनों के पास में भी इस प्रकार का वीडियो आया और दहेज की मांग को लेकर के पति ने ही इस महिला को कुएं के अंदर लटकाया था, उसके बाद में यहाँ की जो रथानगढ़ थाना पुलिस है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसमें महिला ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसके पति ने उसे कुएं में लटकाया था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रतापगढ़ की रथानगढ़ थाना पुलिस ने वहां की पुलिस को इस संबंध में सूचना दी है और बताया है कि इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, तो अब इस मामले को लेकर के वहां की बागाना थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, महिला अभी कहां है, अपने ससुराल ही है या फिर अपने मायके वो प्रतापगढ़ आ चुकी है?
जी अभी वो महिला जो है वो अभी अपने ससुराल में ही है, अभी वो यहाँ पर नहीं आई है। हालांकि उसके परिजन और वो उनके सारे संपर्क में है, पुलिस भी लगा थी, यहाँ की जो रठाना थाना पुलिस है, वीडियो वायरल होने के बाद में उसके परिजनों से संपर्क में है, उसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उससे भी संपर्क में है। जी चंचल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापगढ़ से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये दिल दहला देने वाली एक और वारदात, महिला के साथ क्रूरता की एक और वारदात, और किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, एक बार फिर यह मामला मध्य प्रदेश से ऐसा सामने आया है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान से भी सामने आया था। पति ने दरिंदगी की सारी इंतहा पार कर दी थी, अब एक तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद के ही पति ने महिला की दुर्दशा की और फिर इस वीडियो बनाकर दहेज की डिमांड की। आगे अपडेट आएगी तो जरूर आपको बताएंगे। राजेंद्र गुढ़ा की बात करते हैं, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक नए विवादित बयान को लेकर इस बार वो सुर्खियों में आ गए। उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उदयपुर वाटी में एक समारोह में नेताओं के वोट लेने के मसले पर गुढ़ा ने कहा कि जो दूसरी जाति की वोट लेकर दिखाए ये मर्दानगी है। वोट लेना तो नपुंसकता है, वोट तो दूसरे का लेकर दिखाई, ये है मर्दानगी। 36 कौन का वोट लेके लेना और विरोधी का वोट लेना, यह है मर्दानगी। क्या है जाति के बाद? मेरे भाई मैं तो आपको एक ही चीज बता दूं, ये काम जब तक यहां ही नहीं करता रहूंगा। मेरे भाई मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है कि कमजोर की मदद करना। जब गहलोत साहब संकट में थे तो उनकी मदद की, फिर मुझे लगा सचिन कमजोर है तो मैंने उसकी की। मेरा स्वभाव है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा गया। देश के कई राज्यों में एटीएम को हैंग करके ये ठगी को अंजाम दिया करते थे। बदमाशों के पास से 75 एटीएम, 2,31,000 कैश भी जब्त किए गए हैं। अलवर और भरतपुर के मेवात में रहने वाले हैं बदमाश। तो बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने की है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा। इनका नायाब तरीका था फोर्जरी करने का, जालसाजी करने का, फर्जीवाड़ा करने का, ऑनलाइन ठगी करने का। देश के कई राज्यों में एटीएम को हैंग कर देते थे, फिर ठगी को अंजाम देते थे और बदमाशों से कैश भी जब्त हुआ है। और अंदाजा लगाइए 75 एटीएम कार्ड्स इनके पास से मिले हैं। 75 एटीएम कार्ड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए एटीएम सेंटर्स को हैंग कर देते थे और फिर उसके चलते ऑनलाइन फर्जीवाड़े के जरिए लोगों को चपत लगाया करते थे। लगातार तलाश की जा रही थी इनकी। फिलहाल न सिर्फ ये 5 ठग गिरफ्तार हुए हैं, बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि इनके पास से 75 एटीएम कार्ड और 2,31,000 कैश भी बरामद हुआ। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। सभापति हरिवल्लभ कल्ला के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया गया। शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की। मंत्री शाले मोहम्मद ने सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल समेत अन्य मुख्य लोग मौजूद रहे। मंत्री ने गुरु शिष्य का बेहतरीन रिश्ता बताते हुए हर व्यक्ति को गुरुजनों का सम्मान करने की नसीहत भी दी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा है कि जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के इस विनर ने दिखाई नए राजस्थान की प्रदर्शनी। इस वीडियो में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान है। हाँ, तो ट्वीट भी आपके सामने है, नए राजस्थान की प्रदर्शनी, और इस वीडियो में जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के इस विनर ने यह दिखाई है और इस वीडियो में सब प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान है। इस वीडियो में जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर ने नए राजस्थान की प्रदर्शनी दिखाई है। एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि महंगा इलाज, महंगी बिजली और महंगाई की राजस्थान में नो एंट्री है। वीडियो में महंगाई राहत कैंप से लेकर राजस्थान में मिलने वाले
₹500 के सिलेंडर का जिक्र है। इस वीडियो को सुनील कुमार नाम के कलाकार ने बनाया। और अब बात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। परिवर्तन संकल्प यात्रा आज बाड़मेर जिले में प्रवेश करेगी। शिव मुख्यालय पर आम जनसभा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी समेत प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा से जुड़ने के लिए सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज यहाँ पर बाड़मेर के शिव विधानसभा में पहुंचने वाली है और इसके बाद में यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूंगा, आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जनसमूह एकत्रित है। इस जनसमूह को यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर के सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश और राष्ट्र स्तर के कई नेता यहाँ पर संबोधित करेंगे। हमारे साथ में कुछ भाजपा के नेता है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी यहाँ पर जनसमूह के लिए कितने दिनों की मेहनत लगी है तब जाके यहाँ पर ये इतनी जनसमूह उमड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 से 12,000 लोग पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की निकम्मी सरकार को फाड़ फेंकने राजस्थान के माननीय प्रदेश नेतृत्व द्वारा परिवर्तन यात्रा यहाँ पहुंच रही है। इसका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। तो हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमारे साथ में दूर दराज के एक सरपंच भी है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मन है, किस तरीके की तैयारियां, कितने लोग लगे आपको दिनों में? दिन हमारे को 10 लगे। यहाँ हजारों कार्यकर्ता आप देख रहे हो, बाबा गरीबनाथ की धरती पे यहाँ हाजिर है, जो हमारे जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पे बरियाडा में। इधर जयपुर में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन किया गया। प्रदेश पर्व से मुस्लिम कुरैशी बिरादरी के जिला अध्यक्ष और सचिव इसमें शामिल हुए, जिसमें 3 सदस्यीय चुनाव लड़े और जामा मस्जिद के पूर्व अध्यक्ष नईम कुरैशी अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। वहीं दूसरे स्थान पर रशीद कुरैशी और तीसरे स्थान पर मुस्तफा कुरैशी रहे। नईम कुरैशी ने कहा कि समाज बेहद पिछड़ा हुआ है, हमारा पहला काम तालीम पर होगा, सियासी नुमाइंदगी और समाज सुधार पर फोकस किया जाएगा। सरकार से कुरैशी बोर्ड के गठन की मांग भी की गई। जयपुर में जल भवन मुख्यालय पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर जल भवन मुख्यालय में दस्तावेज एसीबी की तरफ से खंगाला जा रहा है। जल जीवन मिशन में करप्शन का खुलासा हुआ था। एसीबी ने एक्सीएन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज दस्तावेज रिकॉर्ड खंगालने एसीबी की टीम पहुंची है। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच की भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे के सौदागरों पर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन हुआ है। पकड़ी गई 656 किलो अफीम डोडा से भरी हुई पिकअप, करीब 65 लाख रुपए इसकी कीमत अफीम की डोडा चूरा की बताई जा रही है। एडीजी क्राइम के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा के बांडलगढ़ थाना क्षेत्र में अफीम डोडा लाया जा रहा था, गाड़ी का चालक भी गिरफ्तार हो चुका है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मोबाइल टावर पर चढ़े 3 युवक और इस दौरान जलदाय विभाग दफ्तर के पास ये टावर स्थित है जिस पर ये चढ़े हैं युवक। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। दरअसल एक मामले में पुलिस पर पक्षपात का ये आरोप लगा रहे हैं, उसी नाराजगी में ये मोबाइल टावर पर चढ़ गए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की खबर, तस्वीरें वहीं की, वो मोबाइल टावर पर चढ़ चुके हैं 3 युवक और इनकी मांग यह है कि इनकी कुछ शिकायत थी लेकिन पुलिस ने सही से उसको एड्रेस नहीं किया। जलदाय विभाग दफ्तर के पास स्थित ये टावर है जिस पर ये युवक चढ़े हैं। सूचना जैसे मिली पुलिस पहुंची है मौके पर, उनको समझा रही है और पक्षपात का ये आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। एक मामले को लेकर जो शिकायत की गई थी इनकी तरफ से, दूसरे पक्ष पर इनका आरोप है कि पुलिस पक्षपात कर रही है, इनके साथ भेदभाव कर रही है। और वहीं सादुलशहर कस्बे में भूखंड विवाद को लेकर पिछले शनिवार चल रही वीरूगिरी जारी है। प्रशासन की तरफ से लगातार समझाइश की जा रही है लेकिन वार्ता में बात नहीं बन पा रही। एसडीएम, उपखंड अधिकारी और थाना प्रभारी ने कई बार वार्ता की है लेकिन टंकी पर चढ़े लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। घटना की सूचना के बाद से ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है लेकिन सहमति ना बनने की वजह से टंकी पर नौटंकी फिलहाल लगातार जारी है। बड़ी खबर लेते हैं। एक ईडी की पीएचईडी अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। पिछले 4.5 घंटे से पीएचईडी विभाग के 2 अधिकारियों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। आरके मीणा, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आरसी मीणा से भी पूछताछ हो रही है। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार मामले पर इनसे पूछताछ हो रही है। दोनों अधिकारियों से
सुबह से ही पूछताछ की जा रही है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब 2 अधिकारियों से ये पूछताछ की जा रही है। भिवाड़ी के यूआईटी थाना क्षेत्र के सांथलका गांव में रविवार शाम को गांव में अवैध गांजा बेचने का विरोध करने गए युवक पर गांजा तस्कर ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। आरोपियों ने युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा हमले किए। घायल युवक को भिवाड़ी जिला अस्पताल से रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि आरोपियों की तलाश में भिवाड़ी फेज 3 थाने की पुलिस लगी हुई है लेकिन वारदात के बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है। संडे के दिन जो मेरे भतीजे के साथ घटना हुई है वो जो गांव के अवैध तस्कर हैं भांग गांजा अफीम के उन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। उसमें एक कुछ बाहर के लोग हैं एक दो गांव के लड़के हैं उनके पीछे जैसे पुलिस ने मुझे बताया कि हम अपने जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे गांव में गांजा अफीम इस तरह से बिक रहा है रेहड़ियों पर दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा है क्या प्रशासन सो रहा है? मेरा तो चला गया। मैं आगे से ही अपील करता हूँ प्रशासन से कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में उन पर कार्रवाई की जाए उचित सजा दी जाए इससे ज्यादा मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में रोड हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उमरेड कस्बे में बीती रात एक्सीडेंट में 2 चचेरे भाइयों की मौत के बाद आज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं इसकी वजह से लोगों की जाने जा रही हैं लेकिन वाहन चालकों पर इसका कोई ना तो फर्क पड़ रहा है ना उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और रोडवेज निजी बसों में जयपुर आने जाने वाले यात्री करीब 1.5-1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। जाम के बाद थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा और सदर थाना अधिकारी दिनेश मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। ये रोड को हम दो भाई मरे मेरे हम रोड के लिए 2 साल से बच रहे कि रोड बना है 3 साल से हर महीने 100-200 लोग मरते इसी रोड पे। कोई बेचारा पैर टूट जाता है कुछ टूट जाता है पर कोई नहीं सुनाई करता हमारा ना कलेक्टर करते हैं ना राजनीतिक करते हैं ना विधायक करते हैं ना कोई करते हैं। सीएम साहब चला रहे 2030 प्लान कर रहे हैं कि क्या होगा 2030 में हमारे राजस्थान का कुछ नहीं होगा राजस्थान का। ढाई पैड़ी से लेकर नटनी के बारा तक आए दिन हो रहे एक्सीडेंटों से जो मौत हो रही है मैं उमरेण गांव का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे बता रहा हूँ और सच्चे आंकड़े नेताओं वाले झूठे आंकड़े और नहीं दे रहा हूँ। हर रोज ये पुलिस प्रशासन खड़ा इनकी हर रोज मदद करवाने आता हूँ डेली। आपको कल लगभग 4 से 5 एक्सीडेंट हुए एक दो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं किसी का पैर टूटा बेचारा पकड़ा हाथ में चल देता है पता है कौन क्या करना है। रणथंभौर से बड़ी खबर है जहां बाघिन T-79 के शावक की मौत हो गई जंगल में मृत मिला है बाघिन का शावक बादलगंज एरिया के पास यह शव मिला है। डॉक्टरों की टीम फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करेगी। तो बड़ी खबर रणथंभौर से आ रही है दुखद खबर है बाघिन T-79 के शावक की मौत हो गई है जंगल में ये बाघिन का शावक मृत हालत में मिला है बादलगंज एरिया के पास ये शव मिला है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम शव का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर शावक की मौत कैसे हुई है क्योंकि ये बड़ा सवाल बनता है कि शावक की मौत का कारण क्या है और इसी लिहाज से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जरूरी होगी। डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या कारण रहा कि शावक की मौत हुई और आगे एहतियात किस तरह की बरतने की जरूरत है। महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान।